10 बहुत बड़ी विशेषताएं अयोध्या मंदिर से आई सामने, जिसकी हकीकत जानने खुद अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। साल के अंतिम दिन अयोध्या पहुंचे मोदी, विशेषताएं जानकर हुए आश्चर्यचकित। हाथ जोड़कर करने लगे भारतवासियों से प्रार्थना, कहा अपने घर पर जलाएं दी। अयोध्या मंदिर से बहुत बड़ी खबर, 500 सालों बाद अयोध्या में बन रहे मंदिर से जुड़ी 10 बहुत बड़ी विशेषताएं सामने आई हैं, जिसकी चर्चा देश दुनिया में गूंज रही है। बता दें, साल के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या खुद पहुंचकर उन 10 बड़ी विशेषताओं के बारे में जाना, जिसके बाद मंदिर निर्माण के कार्य का बकायदा जायजा लिया। फिर उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्रतिमा का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी लोग अपने अपने घरों पर दीप जलाएं। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। दुनिया के सामने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम के नाम सभी को अपने अपने घरों पर दीप जलाने की प्रार्थना की। यूं तो अयोध्या में बन रहे भगवान राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो चलिए बताते हैं अयोध्या राम मंदिर की 10 बड़ी विशेषताएं, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पहली, देखिए, रामलला का मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में बना है। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में कुल 5 मंडप है, जिसमें अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह है। मंदिर में कुल खंभे 366 हैं, भूतल पर 160, प्रथम तल पर 132 और दूसरे तल पर 74 खंभे हैं। हर एक खंभे पर 16 मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर के भूतल पर गर्भगृह होगा, जहां रामलला विराजमान होंगे। गर्भगृह की मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर से हुआ है। राम का गर्भगृह ऐसा बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ेगी। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता और अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त हनुमान जी के साथ होंगे। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया गया है, ये 10 फीट चौड़ा है। मंदिर में रोज 1,00,000 भक्त प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में भगवान राम के पूरे जीवन को दर्शाती 125 मूर्तियां भी होंगी। मंदिर परिसर में गौशाला, धर्मशाला, वैदिक पाठशाला भी होगी। राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। पहला द्वार राजा दशरथ के महल की ओर, दूसरा द्वार शेरेश्वर नाथ मंदिर की ओर, तीसरा द्वार गोकुल भवन और चौथा द्वार टेढ़ी बाजार की ओर होगा। सैम टीवी के लिए अयोध्या से निखिल शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें सैम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।